हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है और मैं हूं कृष्णा यादव। फ्रेंड्स, कला एवं संस्कृति से हमारे विभिन्न परीक्षाओं में और यूपीएससी और यूपीपीएससी या जैसे स्टेट के जो पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं उनके प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन के पेपर में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो आज के इस चैप्टर में हम अध्ययन करने वाले हैं बौद्ध स्थापत्य कला के विषय में। तो बौद्ध स्थापत्य कला के विषय में जब हम चर्चा करते हैं तो मुख्य रूप से इसका जो विकास दिखाई पड़ता है वो मौर्य काल से प्रारंभ होता है और ये शुंग वंश और सातवाहन के काल तक इसका चरम हमें दिखाई पड़ता है। तो इसका जो हम मुख्य स्वर्ण काल देखते हैं तो वो मौर्य काल से लेकर के मौर्य काल से प्रारंभ होता है और शुंग वंश और सातवाहन काल तक हमें अनेक रूपों में इसका विकास दिखाई पड़ता है। और जो विशेष करके शुंग शासकों का काल है और सातवाहन का काल है इसे हम जो है बौद्ध स्थापत्य का स्वर्ण काल कहते हैं। बौद्ध स्थापत्य का स्वर्ण काल, स्वर्ण काल, इसी समय में जो है तमाम स्तूप वगैरह के जो है फिर से निर्माण किए गए और इसे हम स्वर्णिम युग मान सकते हैं बौद्ध स्थापत्य कला के। तो जब हम बौद्ध स्थापत्य कला की बात करते हैं तो हमको चार चीज़ें वहाँ पर देखनी होती हैं। तो बौद्ध स्थापत्य कला में हमें चार चीज़ें हैं, चार चीज़ों का स्थापत्य इसमें मुख्य है। सबसे प्रमुख है स्तूप। पहले नंबर पे जो स्थापत्य कला है वो हमें स्तूप को पढ़ना होता है। और दूसरा चीज है चैत्य, चैत्य, और तीसरा है बिहार, और फिर आते हैं स्तंभ, स्तंभ लेख, स्तंभ जो है। तो आज के इस चैप्टर में हम स्तूप स्थापत्य कला के रूप में विशेष तौर से हम स्तूपों का अध्ययन करेंगे। बाकी चैत्य विहार और स्तंभ के विषय में हम आगे आने वाली क्लास में चर्चा करेंगे। तो अगर मेंस के रिटन एग्जाम में आपको बौद्ध स्थापत्य कला पे कोई क्वेश्चन लिखने को आता है तो हमें वहाँ संक्षिप्त रूप से चारों कलाओं का वर्णन देना होता है, लेकिन इनका अलग अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे स्तूप पे आपको अलग से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। और स्तूप स्थापत्य जो है वो एक प्रमुख स्थापत्य कला है जो बौद्ध से संबंधित है। तो हम ये समझ लेते हैं कि स्तूप क्या है, चैत्य विहार और स्तंभ क्या है। संक्षिप्त रूप से स्तूप का सीधा सा अर्थ होता है मिट्टी का ढेर या मिट्टी का टीला। तो हकीकत भी यही है, जब प्रारंभ में स्तूप निर्मित किए गए थे तो वो एक मिट्टी का ऊंचा ढेर ही हुआ करते थे, यानी वो कच्ची सामग्री से बनाए गए थे। बाद में जो है कालांतर में उनमें पक्की ईंटों का और फिर बाद में पत्थरों का भी प्रयोग करके जो स्तूप हैं वो और ज़्यादा अलंकृत किए गए और ज़्यादा मजबूती के साथ बनाए गए। स्तूप बेसिकली जो है वो बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थल होते हैं। ये एक प्रकार से हम जैसे कि अन्य धर्मों में पूजा स्थल जो होते हैं उनकी संज्ञा इन्हें हम दे सकते हैं। ये स्तूप जो होते हैं ये सबसे पवित्र स्थल माने जाते हैं बौद्ध धर्म में। चैत्य वो स्थान होते हैं जहाँ पर बौद्ध जो भिक्षुक होते हैं, भिक्षुक और भिक्षुणियाँ वो पूजा करते हैं, यानी ये पूजा अर्चना के केंद्र होते हैं, उनको कहा जाता है चैत्य। और बिहार जो होता है, बिहार का अर्थ होता है जो भिक्षुक लोग हैं, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, भिक्षुक हैं, वो जिन स्थानों का प्रयोग अपने निवास के रूप में करते हैं उनको बिहार कहा जाता है। जैसे कि बहुत सारे बिहार आपको देखने को मिलेंगे, हम अलग चैप्टर में चर्चा भी करेंगे उसकी। तो बिहार रहने के लिए प्रयोग किए जाते थे, जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ा बिहार था जहाँ पे 10,000 जो है विद्यार्थी रह करके जो है
शिक्षा ग्रहण किया करते थे। तो जो बिहार है वो निवास स्थान भी होते थे और ये शिक्षा के भी केंद्र के रूप में उस समय बहुत ज़्यादा विश्वविख्यात हुए थे। स्तंभ लेख भी आपको पढ़ेंगे हम, मौर्य काल से लेकर के बहुत सारे स्तंभों का निर्माण भी किया गया है जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। तो उसी में हम एक बहुत प्रमुख स्तंभ जो अशोक कालीन है, अशोक ने निर्मित कराया था सारनाथ में, जिसको सारनाथ का स्तंभ कहा जाता है, और उसी के ऊपर का जो आकृति थी जिसमें चार सिंह बने हुए हैं उसी को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में लिया गया है। तो हम उन सभी स्तंभ के विषय में भी आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बौद्ध स्थापत्य कला में जो प्रमुख स्थापत्य हैं वो स्तूप, चैत्य, बिहार और स्तंभ लेख हैं। आज के इस स्तूप के विषय में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो पहले ये जान लें, जब भगवान बुद्ध का परिनिर्माण हुआ, जब भगवान बुद्ध का परिनिर्माण हुआ जब भगवान बुद्ध का परिनिर्माण हुआ तो उसके बाद जो है उनके जो अंत्येष्ट के बाद अवशेष थे, राख थी, उनको आठ जगह डिवाइड किया गया और उन आठ स्थानों पर ले जाकर के स्तूप का निर्माण किया गया। वहां पर उनके अवशेषों को रखा गया। तो प्रमुख रूप से जो आठ स्तूप प्रारंभ में बनाए गए थे उसमें भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए थे। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए तमाम स्तूपों का निर्माण किया गया। हालांकि प्रत्येक स्तूप में भगवान बुद्ध के अवशेष नहीं रखे जाते हैं, वो प्रारंभ के ही आठ अवशेष रखने वाले जो स्तूप थे वो शुरू में अजात शत्रु के समय में बनवाए गए थे। उसके बाद जो है चार प्रकार के स्तूप बनवाए जाते हैं, चार प्रकार के स्तूप जो है वो होते हैं। कौन कौन से? एक स्तूप होता है शारीरिक, शारीरिक, शारीरिक स्तूप का मतलब होता है जिस स्तूप में या तो बुद्ध के शरीर के अवशेष रखे गए या फिर किसी प्रमुख शिष्य के या बौद्ध भिक्षुक जो बहुत ज्यादा मान्य बौद्ध भिक्षुक हुए उनके शरीर के अवशेष रखे गए, जैसे नख, बाल या अस्थि अवशेष। तो जिन स्तूपों में किसी भी बौद्ध भिक्षुक के या फिर स्वयं महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे जाते हैं उनको कहा जाता है शारीरिक स्तूप, शारीरिक स्तूप। शारीरिक स्तूप का एक उदाहरण है जैसे सांची का स्तूप, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप एक आदर्श स्तूप है। हम उसी का भी डिटेल में अध्ययन भी करेंगे और लगभग सभी स्तूपों की संरचना उसी से मिलती जुलती है। दूसरे प्रकार के जो स्तूप हैं उनको कहते हैं पराभौमिक, पराभौमिक स्तूप। पराभौमिक स्तूप वे स्तूप होते हैं जिनमें शारीरिक अवशेष तो नहीं रखे जाते हैं लेकिन महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं या फिर जो भिक्षुक है जिसके लिए स्तूप बनाया जा रहा है उसके द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं रखी जाती हैं, यानी कि इसमें जो है प्रयुक्त वस्तुएं रखी जाती हैं, किसकी? महात्मा बुद्ध की, अथवा जिस महान शिष्य, महात्मा बुद्ध के अनेक अनुयायी शिष्य हुए हैं उनके प्रयुक्त वस्तुएं इसमें रखी जाती हैं। तीसरे प्रकार के जो होते हैं उनको कहा जाता है उद्देशिक, उद्देशिक स्तूप, उद्देशिक का सीधा सा मतलब है उद्देश्य की पूर्ति के लिए, यानी महात्मा बुद्ध जिन जिन स्थानों पर बौद्ध धर्म के प्रचार के उद्देश्य से गए, जैसे श्रावस्ती, सारनाथ, इन सब जगहों पर जहां पर भगवान बुद्ध ने भ्रमण किया था उन स्थानों पर स्तूप बनाए गए, उन स्थानों पर स्तूपों का निर्माण किया गया, उनमें
शारीरिक अवशेष नहीं रखे गए हैं, लेकिन ये भगवान बुद्ध के उन प्रमुख स्थानों से संबंधित हैं, तो उनको कहा जाता है उद्देशिक स्तूप। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखेंगे, आप कह सकते हैं श्रावस्ती का स्तूप, श्रावस्ती स्तूप। और चौथा जो प्रकार होता है वो होता है संकल्पित, संकल्पित स्तूप। संकल्पित स्तूप का मतलब है ये अनुयायियों के द्वारा संकल्पित होते हैं और ये बनवाए जाते हैं बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए। जैसे कि उदाहरण के लिए, अगर मैं हूं और मुझे कोई लाभ होता है और मैंने ऐसा माना कि मुझे इस धर्म से बहुत फायदा हुआ है, और क्यों ना इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मैं एक स्तूप का निर्माण करवाऊं, जिससे कि अन्य लोग भी इसकी तरफ आकर्षित हों, जुड़ें और लाभ ले सकें, तो ये मेरा संकल्प है और मैं स्वयं इसका निर्माता हूं, तो वो प्रकार के जो स्तूप होंगे वो संकल्पित स्तूप कहे जाते हैं। उनमें ना तो शारीरिक अवशेष होते हैं, ना प्रयुक्त वस्तुएं होती हैं, ये हमारे स्वयं के संकल्प द्वारा यानी हमारी स्वयं की श्रद्धा के द्वारा जो है वो समर्पित किए जाते हैं। तो इस प्रकार के चार प्रकार के स्तूप होते हैं। जो चीनी यात्री हेन स्यांग था, चीनी यात्री था हेन स्यांग, हेन स्यांग, हेन स्यांग ने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है सुयुकी। नाम इसका याद रखिएगा, नाम इसका पूछा जाता है। हेन स्यांग की जो है पुस्तक जो है सुयुकी, उसमें जो है हेन स्यांग ने लिखा है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, 84,000। हालांकि 84,000 स्तूप के अवशेष नहीं प्राप्त होते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जरूर ही उस समय में अशोक ने निर्मित करवाए होंगे, और वो चूंकि ज़्यादातर कच्ची मिट्टी के बने होते थे इसीलिए उनके अवशेष अप्राप्त नहीं होते हैं। हाँ, जिन स्तूपों का आगे पुनः निर्माण करवा दिया गया, फिर से उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवा दिया गया और पक्की ईंटों और पत्थरों का प्रयोग कर दिया गया, वो स्तूप हमें देखने को मिलते हैं। तो हम अब सबसे पहले जान लेते हैं कि स्तूप क्या होता है, स्तूप किस तरह की संरचना होती है। तो स्तूप में जो प्रमुख भाग होते हैं वो पूछे जाते हैं, और मेंस की परीक्षा में जब आप सामान्य अध्ययन के पेपर में इसे लिख रहे होंगे तो आपको ये डायग्राम भी बनाना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्तूप का जो सबसे प्रमुख भाग होता है वो एक ढेर होता है, इस तरह से एक अर्ध गोलाकार या अंडाकार कह सकते हैं एक मिट्टी का या ईंटों का अथवा पत्थरों का बना हुआ एक गुंबद नुमा जो है संरचना होती है इस तरह से, और ये खोखली नहीं होती है, यानी ये कोई भवन नहीं है जो इसके अंदर कोई अंदर जाने का प्रबंध नहीं है, ये पूर्णतया एक ढेर के समान है, ठोस है। इसको कहा जाता है अंड, इसको क्या कहा जाता है अंड। यही मेन स्तूप है, यही प्रमुख भाग है, और ये एक मजबूत धरातल पे बनाया जाता है जिसको कहा जाता है मेधी। इस मजबूत जो भाग है इसको कहा जाता है मेधी, मेधी, और ये है अंड। तो मेधी के ऊपर जो है अंड का निर्माण किया जाता है, और इसके टॉप पे, इसके बिल्कुल ऊपर जो है एक चौकोर भाग होता है जिसको कहा जाता है हर्मिका, हर्मिका। हर्मिका जो है स्तूप का सबसे पवित्रतम स्थल होता है, पवित्रतम भाग होता है, और इसी हर्मिका में रखे जाते हैं शरीर के अवशेष या फिर प्रयोग की गई वस्तुएं। तो ये जो है हर्मिका इस स्तूप के टॉप पे होती है, और इसके ऊपर एक स्तंभ लगा होता है जिसको कहते हैं यष्टि। इनके नाम पूछे जा सकते हैं आपसे, और रिटर्न में तो आपको विवरण देना ही होता है। इसे कहते हैं यष्टि,
और माना जाता है कि महात्मा बुद्ध जो है इसी यष्टि में जो है निवास करते हैं, यानी वहां से हमें आशीष देते हैं। और इसके ऊपर जो है वो तीन छत्रक होते हैं, इसी यष्टि में तीन छत्रक लगे होते हैं। इनको जो है प्रतीक के रूप में माना गया है कि ये बुद्ध, धम्म और संघ के प्रतीक हैं। माना जाता है कि ये तीन छत्रक जो हैं वो बौद्ध धर्म के तीन स्तंभ हैं, जो हैं बुद्ध, धम्म और संघ। तो इस प्रकार से ये संरचना है स्तूप की। इसके बाद इसमें चारों तरफ से एक बाउंड्री वॉल होती है जिसको कहा जाता है वेदिका। ये जो बाउंड्री वॉल है इसे कहा जाता है वेदिका। वेदिका में जो है अलग अलग स्तूपों में, किसी में सादी वेदिका है, किसी में बहुत ज्यादा अलंकृत वेदिका है। इस वेदिका में प्रमुख रूप से जो है मूर्तिकला और चित्रकला के प्रमुख नमूने देखे जाते हैं। यहां पर विशेष करके भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित कहानियां, उनके पुनर्जन्मों से संबंधित कहानियां, जिनको जातक कथाएं कहा जाता है, उसका चित्रांकन इन दीवालों पर मिलता है। और इसमें चार द्वार होते हैं। सामान्यतः जो वेदिका होती है उसमें चार प्रवेश द्वार होते हैं चारों कोनों पर। तो ये जो द्वार होते हैं इनको कहा जाता है तोरण। इनको क्या कहते हैं? तोरण। तोरण यानी द्वार। और ये बहुत ज्यादा सजावटी और अलंकृत होते हैं। इनमें मूर्ति कला का बहुत अच्छा नमूना देखने को मिलता है। तो ये कहलाते हैं तोरण। अब तोरण और इस अंड के चारों तरफ जो बीच में स्थान है, ये इसमें परिक्रमा पथ होता है। ये जो स्थान है यहां पर अनुयायियों के लिए एक मार्ग होता है गोलाकार, जो इस अंड के चारों तरफ होता है और ये इसकी परिक्रमा करते हैं। जो अनुयायी होते हैं, भिक्षुक लोग होते हैं, वो इसकी परिक्रमा करते हैं और इस पथ को कहा जाता है प्रदक्षिणा पथ। ये जो पथ है इसे कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। इसी पर जो है परिक्रमा की जाती है। तो इस प्रकार से एक स्तूप की संरचना में हम देखते हैं कि एक अंड होता है जिसके ऊपर हर्मिका, एष्ट और तीन छत्रक लगे होते हैं, और इसके चारों तरफ एक वेदिका यानी बाउंड्री वॉल होती है जिसमें चार तोरण द्वार होते हैं, और इस वेदिका और अंड के बीच में एक मार्ग होता है परिक्रमा पथ, प्रदक्षिणा पथ या परिक्रमा पथ। तो इस प्रकार से ये एक जो उदाहरण हमने बताया है, ये मुख्य रूप से सांची का स्तूप है। ये सांची का स्तूप का संरचना है, क्योंकि वर्तमान समय में एक आदर्श स्ट्रक्चर के रूप में सांची का स्तूप जो है वो माना जाता है, और लगभग सभी स्तूप इसी मुख्य रूप से इसी आकार में होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि तोरण द्वार और ये जो वेदिका होती है, इनकी अलंकरण में, इनकी चित्रकारी में, बनावट में भिन्नताएं होती हैं, लेकिन जो एक मौलिक आकार है वो यही होता है कि अंड, हर्मिका, एष्टि ये भाग होते हैं। अब हम कुछ प्रमुख स्तूपों के विषय में जान लेते हैं जो फेमस हैं और जिनके विषय में क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने बताया सांची का स्तूप जो है, वही पढ़ लेते हैं। सांची का स्तूप जो है वो पक्की ईंटों से निर्मित है। वर्तमान में पत्थर और पक्की ईंटों से इसका निर्माण किया गया है, और ये जो है सांची मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश का स्तूप है ये। इसका निर्माण जो है सम्राट अशोक ने करवाया था। जैसा कि हेनस्यांग ने अपनी पुस्तक में लिखा है सुयुकी में कि अशोक ने 84,000 जो है स्तूपों का निर्माण करवाया था, तो सांची का स्तूप उसी एक है, उसी में से इसका निर्माण करवाया था। और बाद में इसको और ज्यादा भव्यता और मजबूती प्रदान की पुष्यमित्र शुंग में, यानी शुंग शासन काल में पुष्यमित्र शुंग ने इसका पुनः निर्माण करवाया। तब इसमें जो है त्वारण द्वार और ये जो वेदिका है उसका अलंकरण किया गया और इसको और ज्यादा मजबूती प्रदान की गई। तो इसीलिए जो है शुंग शासन काल और सातवाहन शासन काल को स्तूपों का स्वर्णिम युग कहा जाता है,
क्योंकि इन शासकों के समय में स्तूपों का जीर्णोद्धार बहुत मात्रा में किया गया था। इसमें जो है मेधी है, मेधी यानी ये आधार जिस पे अंड बनाया गया है, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको समझा चुका हूं। और इसमें जो है दो प्रदक्षिणापथ हैं, ऊपरी प्रदक्षिणापथ और निचला प्रदक्षिणापथ। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक प्रदक्षिणापथ थोड़ा ऊंचा है और एक प्रदक्षिणापथ थोड़ा उससे नीचा है। दो मार्ग हैं, दो रास्ते हैं, जैसे डिवाइडर वाली सड़क होती है। तो इससे ये होता होगा शायद कि इसमें जो कुछ प्रमुख भक्त होते होंगे वो उच्च मार्ग पे परिक्रमा करते होंगे और जो आम जनता है, आम अनुयायी हैं, वो निचले मार्ग में परिक्रमा करते रहे होंगे। तो इस प्रकार से इसमें डबल परिक्रमा पथ पाया गया है। और इसके चार तोरण द्वार हैं, जैसे कि एक यहाँ पे मैंने दिखाया है, एक दो और एक तीन, और एक इस अंड के पीछे की तरफ है। चार तोरण द्वार हैं जो बहुत सजावटी हैं, जिसमें बहुत अलंकृत मूर्तियां वगैरह लगी हुई हैं, जिसमें जो है इस वेदिका में जातक कथाओं का चित्रांकन है और एक गजलक्ष्मी की मूर्तियां इसमें पाई गई हैं। जो गजलक्ष्मी है वो बौद्ध धर्म में संपन्नता की देवी मानी जाती है। ये क्वेश्चन आपसे अलग से भी किया जा सकता है कि बौद्ध धर्म में संपन्नता की देवी को क्या कहा जाता है, संपन्नता की देवी या फिर गजलक्ष्मी किस चीज की देवी है। तो गजलक्ष्मी की मूर्ति इसमें पाई गई है और यहां पर नागों के बहुत चित्रांकन हैं सांची के स्तूप में। और एक देवी और यहां पर पाई गई हैं, साल भंजिका। साल भंजिका जो देवी हैं वो प्रकृति की देवी मानी गई हैं, फल फूल की देवी मानी गई हैं बौद्ध धर्म में। उनका नाम है साल भंजिका। उनका चित्रण भी, उनका मूर्ति अंकन भी इसी तोरण द्वारों पर और वेदिका में पाया गया है। तो ये सांची के स्तूप के विषय में कुछ प्रमुख बातें हैं। दूसरा जो स्तूप है वो है धमेख स्तूप। धमेख स्तूप भी बहुत प्रसिद्ध है और ये सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि सारनाथ में जब महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसको कहा गया था धम्म चक्र प्रवर्तन, तो उसी स्थान पर प्रतीक के रूप में धमेख स्तूप का निर्माण किया गया था और इसको भी सम्राट अशोक ने बनवाया था। बाद में गुप्त काल में इसका पुनर्निर्माण किया गया। प्रथम उपदेश वाले स्थान पर बना गया है और धम्म चक्र प्रवर्तन का इसको प्रतीक माना जाता है। अगला स्तूप है भरहुत स्तूप। भरहुत स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में है और इसका निर्माण भी सम्राट अशोक के समय में किया गया था। सम्राट अशोक ने ही इसका निर्माण करवाया था। ये जो है लगभग नष्ट हो चुका है, जब ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में वहां पे है, अवशेष के रूप में है। और यहाँ के जो तमाम अवशेष वस्तुएं हैं, जैसे मूर्तियां या तोरण द्वार या फिर वेदिका के हिस्से जो अभी कुछ अच्छी अवस्था में प्राप्त हुए, उनको जो है इंडियन म्यूजियम कोलकाता में जो है संरक्षित किया गया है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भरहुत स्तूप के अवशेष कहाँ रखे गए हैं, तो वो है इंडियन म्यूजियम कोलकाता। और यहाँ पर जो है यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ भी लगाई गई थी, अवशेष में प्राप्त होती हैं, और जातक कथाएँ भी यहाँ अलंकृत थीं। एक स्तूप है अमरावती का स्तूप। अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की अब वर्तमान में राजधानी बन रही है और वहीं पर अमरावती में जो स्तूप बनवाया गया उसे अमरावती स्तूप कहा जाता है। दूसरा है, दो हम और याद रखेंगे, धर्मराज का स्तूप जो है तक्षशिला में पाया गया, जो वर्तमान समय में अब पाकिस्तान में है तक्षशिला। और भाजा के 14 स्तूप हैं जो बिहार में हैं। भाजा में 14 छोटे छोटे स्तूप पाए गए, बिहार में स्थित हैं। तो इतने स्तूपों का विवरण आप याद रखेंगे। अगर आपको मेंस में रिटर्न के लिए क्वेश्चन आता है बौद्ध स्थापत्य कला में, तो प्रमुख रूप से आप वहां पे स्तूप का वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि स्तूप जो है वो बौद्ध का प्रमुख स्थापत्य है। उसके बाद चैत्य और बिहार और स्तंभ लेप का विवरण भी आपको देना होगा, क्योंकि वहां प्रश्न जो है बौद्ध स्थापत्य कला पे है। अगर प्रश्न सिर्फ स्तूप स्थापत्य कला पर आता है तो सिर्फ आपको जो इस क्लास में मैंने बताया है उतना पर्याप्त है। तो अगली क्लास में जब हम मिलेंगे
आर्ट एवं कल्चर में, तो हम चैत्य बिहार और स्तंभ के विषय में भी चर्चा करेंगे। इसमें चैत्य और बिहार में जो हम गुफा स्थापत्य कला के कुछ लेक्चर पढ़े थे उसमें भी विवरण आया था, मुख्य रूप से हमें स्तंभ लेखों के विषय में भी अध्ययन करना है। तो फ्रेंड्स, ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आपका कोई प्रश्न है हमारे चैनल के किसी भी वीडियो पर, अगर आपका कोई प्रश्न बनता है तो कमेंट करके आप वो जरूर पूछें, मैं सभी कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ, आपके प्रश्नों का जरूर जो है एक ऑथेंटिक उत्तर जरूर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।